स्टूडेंट्स आज हम न्यू चैप्टर कंटिन्यू करेंगे आपका. तो चैप्टर 6 इज लाइंस एंड एंगल्स. तो सभी लोग बच्चे लाइंस एंड एंगल्स के बारे में जानते हैं कि लाइंस एंड एंगल्स क्या होता है. कि लाइंस हम लोग जो डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, कि जैसे स्ट्रेट लाइन में चलना, ठीक है, स्कूल आना, इधर जा रहे हैं स्कूल में, और कैसे स्टिक्स लगानी है कहीं पर, अगर किसी एग्जीबिशन में हम लोग कोई टेंट लगा रहे हैं, कितने एंगल से हम किसी को देख रहे हैं, क्या एंगल्स के बारे में भी नॉलेज रखना. तो लाइंस जो हमारी पैरेलल लाइंस भी होती हैं, स्ट्रेट लाइंस भी होती हैं, और इंटरसेक्टिंग लाइंस भी होती हैं, डिफरेंट एंगल्स होते हैं, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, दे ऑल नोन अबाउट दे ऑल द एंगल्स एंड ऑल द लाइन टाइप्स ऑफ लाइंस. क्लियर चिल्ड्रेन? तो आप लोगों को मेरे ख्याल से सारी चीज़ें पता हैं, लेकिन फिर भी हम आप लोगों को कुछ पॉइंट्स बताएंगे जो आप लोगों को थोड़े बहुत पता होने चाहिए. आप लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ के आए हैं, हमें इतना पता है, लेकिन फिर भी आज हम डिस्कस करेंगे. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट देयर फर्स्ट टॉपिक इज द लाइन सेगमेंट. नो नाउ द चिल्ड्रेन हेडिंग इज लाइंस एंड एंगल. लाइंस एंड एंगल्स डेट आज की मेंशन कर लीजिएगा आप लोग, और द साइड हेडिंग इज लाइन सेगमेंट. ठीक है, लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट क्या है? द अ पार्ट अ लाइन विथ द टू पॉइंट, द टू एंड पॉइंट्स, ऐसा पार्ट ऑफ द लाइन, अ पार्ट ऑफ द लाइन विच हैज टू एंड पॉइंट्स, राइट? अ पार्ट ऑफ अ लाइन विद टू, विद टू एंड पॉइंट्स, with two ends point is called a line segment. Is that clear? Is that and the next heading is ray. हम लोग बना सकते हैं लाइन सेगमेंट को, अगर बनाना चाहें तो दो एंड पॉइंट्स आप बना लीजिएगा, स्ट्रेट लाइन चल रहे, एक ए ले लीजिएगा, एक बी लिख लीजिएगा. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट हेडिंग इज ray. ray दिस द साइड हेडिंग इज ray. रे अ पार्ट ऑफ द लाइन, एक ऐसा पार्ट ऑफ द लाइन, ये भी पता है आप लोगों को. अगर इस टाइम हम लोग क्लास में होते तो हम ये सारी चीज़ें नहीं लिखवाते शायद, हम आप लोग से पूछ लेते, लेकिन फिर भी आज हमने ये रिकॉल करें, इस ये सोच के करें कि आपको ये पता है. ठीक है, अ पार्ट ऑफ ए लाइन विद वन एंड पॉइंट, जिसके किसके एंड पॉइंट होते हैं, विद वन एंड पॉइंट इज कॉल्ड ए रे. Is that clear? And it is denoted by AB. ठीक है, इसको लाइन सेगमेंट को एक हम दिखा रहे हैं, लाइन सेगमेंट जैसे डिनोट करते हैं, AB है, इसके ऊपर इस तरीके से बनता है, राइट? और रे के ऊपर हम लोग जब दिखाते हैं चिल्ड्रेन, रे के ऊपर डिनोट करने के लिए AB है, जैसे इसके ऊपर एक एरो. अब जैसे कि हम लोग दिखा दें, एक लाइन ड्रॉ कर दे रही हमने, इस एक एरो जिसका वन एंड पॉइंट है ए और एक बी, बी नहीं एंड पॉइंट नहीं है ये, दिस इज द एक्सटेंशन, इसको मतलब हम लोग बढ़ा सकते हैं कितना भी. ठीक है, तो ये हमारा क्या है, रे. रे को हम लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं, इज दैट क्लियर? और एक लाइन, अगर हम लाइन की सिर्फ बात कर रहे हैं, सिर्फ लाइन क्या होती है, लाइन, लाइन को हम लोग दिखाने के लिए इसको दोनों तरफ से एक्सटेंड कर सकते हैं, और इसको जैसे ए और ये बी है, इसको डिनोट करते हैं, ए बी है और इसके ऊपर दोनों तरफ लाइन बनी हुई है. ठीक है, इसको हम लोग इसी तरीके से डिनोट कर सकते हैं, लेकिन वी विल नॉट यूज दिस सिंबल. हम लोग इस सिंबल का यूज़ ना करके सिर्फ ए बी लाइन, अगर हम लोग बोलते हैं लाइन ए बी, ए रे ए बी, तो जैसे रे अगर बोल रहे हैं, रे वर्ड अगर हम यूज़ कर रहे हैं चिल्ड्रेन, अगर रे वर्ड यूज़ करें तो हमें एरो लगाने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, रे ए बी, तो वो शो कर रहा है कि रे इसी तरीके से बनती है. लाइन ए बी, तो लाइन ए बी जो वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं, दैट मीन्स वी से दैट लाइन जब हमने लिख दिया है ए बी, तो हमें ज़रूरी नहीं है कि ऊपर दोनों तरफ एरो बनाए. लाइन सेगमेंट ए बी, तो हम उस साइड दोनों साइड, तो हमें उसके जिस तरह से डिनोट करते हैं उस लेटर से डिनोट करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, समटाइम्स वी विल डिनोट, समटाइम्स स्मॉल लेटर्स से, स्मॉल लेटर्स से वी विल डिनोट द लाइन, स्मॉल लेटर्स लाइक, क्या होंगे स्मॉल लेटर्स में, लाइक स्मॉल एल,
कॉमा एम कॉमा एन देख रहे हैं कॉमा एम एसेट्रा वी विल यूज्ड टू डिनोट लाइन्स इज दैट क्लियर. तो ये हम लोग को करना है. ठीक है ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आप लोग लाइन सेगमेंट के बारे में. यहाँ भी लिख सकते हैं लाइन के बारे में, इट अ पार्ट ऑफ ए लाइन विच हैज नो एंड पॉइंट्स, इसके कोई भी एंड पॉइंट नहीं है. ठीक है, और अ पार्ट ऑफ ए लाइन क्या बोलेंगे हम लोग, ऑलरेडी ये लाइन के बारे में बोल ही रहे हैं. द लाइन एक ऐसा पॉइंट इज एक ऐसी लाइन जिसे हम लोग कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है, इट इज़ नोटेड बाय ए बी. एंड द नेक्स्ट साइड हेडिंग इज चिल्ड्रेन कोलिनियर पॉइंट. यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कोलिनियर पॉइंट्स का क्या मतलब होता है कि एक ही लाइन में बहुत सारे पॉइंट्स हो. बहुत सारे पॉइंट्स का मतलब टू पॉइंट तो ऑलरेडी होते ही है ना चिल्ड्रेन, टू से ज़्यादा हो यानी कि थ्री एंड मोर पॉइंट्स. एग्जैक्टली हो तो लिखेंगे इफ थ्री three or more points lie on the same line they are called इसको हम लोग क्या कहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स. ठीक है, इसको कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं. और जिसमें और इसके अलावा हुआ अदरवाइज दे आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर पॉइंट. मतलब और इसमें लिख सकते हैं आप लोग अदरवाइज दे आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. हम आपको दिखा रहे थे एक डायग्राम बना के भी. देखिए जैसे एक लाइन है, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं 1, 2, 3, 4. दिस इज कॉल्ड द कोलिनियर पॉइंट्स. इसको क्या कहते हैं हम लोग कोलिनियर पॉइंट्स. ठीक है, नॉन कोलिनियर के बारे में भी बता देते हैं. नॉन कोलिनियर क्या है, जिसमें इसके अलावा ये इतना आप लोग पढ़ के आए हैं, ये सब चीज़ें आप पढ़ के आए हैं क्लास 8th में, इतना आप लोगों को अंडरस्टूड है. ठीक है चिल्ड्रेन, द नेक्स्ट साइड हेडिंग इज एंगल. एंगल क्या है, एंगल कैसे बनता है. एन एंगल इज फॉर्म्ड when two rays originate from the same end points. From the same end points, this is called the angle. एक ऐसा एंगल फॉर्म करना when the two rays originate from the same end point, जिनके एंड पॉइंट क्या है, सेम है. एक ऐसी रे, ऐसे रेज का रेज से बनाना जिनके दोनों के जो एंड पॉइंट है वो क्या सेम है, दे मेक अ एंगल. ये क्या बनाते हैं, एंगल. इज दैट क्लियर, द एंगल मेकिंग मेकिंग एन एंगल, द रेज मेकिंग एन एंगल आर कॉल्ड द आर्म्स. जो रेज होती हैं दिस इज कॉल्ड द आर्म्स. इसको हम लोग क्या कहते हैं, आर्म्स कहते हैं, राइट. जिसको और द एंड पॉइंट, जो ये इसका एंड पॉइंट होता है, दिस इज कॉल्ड द वर्टेक्स. द एंड पॉइंट्स ऑफ दिस एंगल इज कॉल्ड द वर्टेक्स. उसको भी लिख सकते हैं हम लोग द रे मेकिंग
making an angle are called the arms of the angle and the end point is called the vertex of the angle. हमने आपको डायग्राम में अभी दिखा दिया. इज दैट क्लियर? और एंगल के टाइप्स आपको पता है, बहुत सारे टाइप्स होते हैं, एक्यूट एंगल, राइट एंगल. हम सबके डेफिनेशन नहीं डिफाइन करें चिल्ड्रेन, ये आपको सबको पता है. तो नाउ द टाइप्स ऑफ एन एंगल, एंगल के हम टाइप्स बता दे रहे हैं आपको. टाइप्स ऑफ एंगल्स में आपके आएंगे, आप लोग बता एंगल्स में लिख सकते हैं. फर्स्ट इज, यहाँ पे मैं छोटा सा ग्राफ टाइप का बना दे रही, फ्लो चार्ट टाइप का. दिस इज एक्यूट एंगल. एक्यूट एंगल का डेफिनेशन क्या होता है कि एक ऐसा एक्यूट एंगल जिसकी वैल्यू एक्स है, जिसकी वैल्यू जीरो से ज़्यादा है लेकिन 90 से क्या होती है, कम होती है. इज दैट क्लियर? दिस इज कॉल्ड द एक्यूट एंगल. एंड द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड द राइट एंगल में क्या होता है, दिस इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. जो हमारा ये एक्स है, दिस इज इक्वल्स टू 90 डिग्री होना चाहिए. इज दैट क्लियर? ठीक है, तो यानी कि क्या होगा, राइट एंगल. देखिए बेटा, देखिए राइट एंगल में क्या है, जैसे कोई एक्स है, इसकी वैल्यू क्या 90 डिग्री होती है, दैट इज कॉल्ड द राइट एंगल. ठीक है, द नेक्स्ट इज ऑब्ट्यूज एंगल. ऑब्ट्यूज एंगल इज कि एक्स एक ऐसा एंगल है जिसकी वैल्यू 90 से ज़्यादा होती है लेकिन 180 से क्या होती है, कम होती है, दैट इज कॉल्ड द ऑब्ट्यूज एंगल. द नेक्स्ट वन इज स्ट्रेट एंगल, विच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. द नेक्स्ट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, दैट इज कॉल्ड द स्ट्रेट एंगल. एंड द लास्ट वन इज चिल्ड्रेन, द लास्ट वन मैं नीचे करके थोड़ा सा बना रही हूँ, आप लोग दिखाई देगा. ये देखिए, आप लोग अभी पिक स्पेस देंगे इसकी. नेक्स्ट इज रिफ्लेक्स एंगल्स, यू नो ऑल अबाउट दैट एंगल. वॉट इज रिफ्लेक्स? दिस इज वैल्यू इज मोर देन 180 डिग्री एंड बट द लेस देन 360 डिग्री. दिस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्स एंगल. ठीक है, दिस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्स एंगल. ठीक है, इतना आप लोगों को क्लियर होना चाहिए. और एक हम और आप लोगों को एंगल्स के बारे में बता दे रहे हैं. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में जानते होंगे. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो जो सम ऑफ टू एंगल्स, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, छोटी सी डेफिनेशन टाइप का लिख देते हैं. द टू एंगल्स हू सम इज 90 डिग्री. Two angles whose sum is 90 degree are called complementary angles. ठीक है, और द नेक्स्ट वन इज, इसका सम क्या है, whose sum is 180 degree are called supplementary angle. ठीक है, ये इनके साथ अटैच नहीं है, ध्यान रखिएगा. ये मैं अलग से ही आपको लिखवा रही हूँ, जिसमें मैं कह रहा हूँ यहाँ पे इस तरीके का बना देती हूँ. ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा. एंड द नेक्स्ट वन इज चिल्ड्रेन, द नेक्स्ट हेडिंग इज एडजेसेंट एंगल का मतलब भी आप लोग जानते हैं. एडजेसेंट एंगल्स प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ, आई थिंक आप लोगों के पास प्रीवियस क्लास के नोट्स भी रखे होंगे. अगर आप लोगों को इतना ये क्लियर नहीं है, देन यू विल ओपन योर क्लास 8th प्रीवियस नोट्स
तो हो सकता है कि उससे आप लोगों को ज़्यादा क्लियर हो जाए। अगर आप लोगों को हमारे से क्लियर नहीं हो रहा है तो अगर क्लियर हो रहा है देन वेरी गुड कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है, ए बी सी तीन एंगल्स में दिस इज डी। ठीक है चिल्ड्रन, ये देखिए एडजेसेंट में ना जो बगल बगल वाले एंगल्स हैं दैट इज कॉल्ड द एडजेसेंट एंगल। नाउ वी विल से दैट एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू, कि बड़ा वाला एंगल ए बी सी किसके इक्वल है, ए बी डी प्लस एंगल डी बी सी। एंगल ए डी बी एंगल ए बी डी प्लस एंगल डी बी सी। ठीक है, मेरे आई विल राइट वंस अगेन फॉर सम राइटिंग प्रॉब्लम डी बी सी। क्लियर चिल्ड्रेन, तो ये चीज़ द टू एंगल्स आर कॉल्ड एंगल ए बी सी। ए बी सी किसके इक्वल है, एंगल ए बी सी ए बी डी और डी बी सी। तो ए डी ए बी डी एंड डी बी सी आर द टू एडजेसेंट एंगल्स, बट एंगल ए बी सी and angle ADABD is not adjacent angle, is that clear? ये पूरा वाला एंगल कभी भी इस छोटे वाले एंगल के एडजेसेंट एंगल नहीं है। एडजेसेंट एंगल आर टू दिस एंगल्स। इसमें ये भी नहीं कह सकते कि दोनों एंगल्स कभी इक्वल भी होते हैं। ठीक है, ये नहीं कहा जा सकता है। तो एडजेसेंट मीन्स टू एंगल्स, टू एंगल्स जो बगल बगल वाले एंगल्स हैं उनको हम लोग एडजेसेंट, जिनके वर्टेक्स क्या होते हैं, कॉमन होते हैं, दैट इज़ अ कॉमन वर्टेक्स। दोनों एंगल्स के क्या है, वर्टेक्स क्या है, कॉमन है। लेकिन अनकॉमन आर्म, आर्म अलग होते हैं, यानी कि जो इनका लाइंस है ये अलग होती है। आर्म्स आर डिफरेंट बट द वर्टेक्स आर सेम, दैट इज कॉल्ड द एडजेसेंट एंगल। अब दिस इज द नेक्स्ट हेडिंग इज लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स मीन्स होता है चिल्ड्रेन कि एक ऐसा लाइन, एक हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है, आप देखिए हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए लीनियर पेयर में ये दिस इज दिस एंगल, दिस एंगल एंड दिस एंगल, सम ऑफ दिस एंगल एंड दिस एंगल दैट इज ए बी सी। ए बी या डी ले ले रहे, ये है ये ए बी सी, हम बोल सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन है। ए बी सी इज ए स्ट्रेट लाइन, द लीनियर पेयर ऑफ एन एंगल इज एंगल ए बी डी और एंगल डी बी सी इज इक्वल्स टू, डी बी सी आर कॉल्ड द लीनियर पेयर ऑफ एन एंगल, द सम ऑफ एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री दिया गया है क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट एंगल है। ठीक है, ये स्ट्रेट एंगल है तो ये क्या हो जाएगा, एंगल ए बी, एंगल ए बी डी प्लस एंगल डी बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ये दोनों का सम क्या है, 180 डिग्री। इसमें क्या होता है आप लोग समझ सकते हैं कि इसके वर्टेक्स भी सेम है, इसके आर्म्स भी सेम है हमारे। ठीक है, ये क्या है, इसके दोनों एंगल्स के वर्टेक्स भी सेम हो गए, हमारे सेम साइड है, बोथ कॉमन आर्म भी है एंड वर्टेक्स आर सेम, दे आर कॉल्ड द लीनियर पेयर ऑफ एन एंगल। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, देखिए इसको भी बताते हैं। Vertically opposite angle, children. देखिए vertically opposite angle, the two angles this. देख रहे जो cross कर रहे हैं, देख रहे हैं आप लोग, ये हम cross करते हुए बना रहे हैं, ये वाला angle, this angles are equal, this angle and this angle are equal. This is called the vertically opposite angle. Angle A, इस बीच वाले point को O लिख लो बेटा, B, इसको C लिख दिया, इसको D लिख दिया। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, एंगल ए ओ डी इज इक्वल्स टू एंगल बी ओ सी। ठीक है, ये दोनों इक्वल हो गया एंड एंगल ए ओ सी इज इक्वल्स टू एंगल बी ओ डी, ये दोनों इक्वल है, दिस इज कॉल्ड द अब आमने सामने के एंगल, जिसे कहते हैं हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्लियर चिल्ड्रेन, तो ये इतना आप लोगों का अभी हमने कराया है। इस पे आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हैं,
उनको आप लोग करेंगे, अगर आ जाता है ठीक है, नहीं आता तो कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है, हम नेक्स्ट टाइम इस क्वेश्चन को करवाएंगे नेक्स्ट क्लास में, इससे तक घबराने की बात नहीं है ठीक है। एक्सरसाइज आपको 6.1 नहीं आ रही है चिल्ड्रेन, तो आप 6.2 आप आराम से ट्राई कर सकते हैं, 6.3 भी कर सकते हैं, नहीं कुछ भी नहीं आ रहा कोई बात नहीं छोड़ दीजिए, हम सब ट्राई करवाएंगे, सब बहुत आराम से करवाएंगे, बस अभी आपको पेन फोकस करना है। जो हमें थोड़ी सी थ्योरी पोर्शन कराएं इन पर आप प्लीज़ फोकस कीजिए, इनको आप अच्छे से पढ़िए। ओके चिल्ड्रेन, थैंक यू चिल्ड्रेन।